बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाएं। धनिया पे जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जो स्कूल संचालक है, स्कूल चलाया जा रहा है जहाँ आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैंने पिछले साल ही एडमिशन कराया बच्चों का, तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिल रहे हैं और सर खेल भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ग्रामीण इलाके का मतलब इंटरनेशनल स्कूल मान लो आप, RD पब्लिक स्कूल जो है, तो सभी अभिभावकों को भी यही कहूँगा कि अपना बच्चों का एडमिशन करवाएं ताकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त कर सकें। नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद जो आप RD पब्लिक स्कूल में आए। मैं सरुण कुमार, मैं अभी आर्मी में जॉब करता हूँ, तो जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं स्कूल में अपनी सेवाएँ देता हूँ। मैं स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि स्कूल 2020 में यहाँ बिल्डिंग स्थापित की गई। 2020 में सिर्फ 85 बच्चे थे, अगले साल कोरोना, दो साल कोरोना काल में सिर्फ 2 बच्चों की बढ़ोतरी हुई 100 बच्चों की, लेकिन इस साल अभी 300 से ऊपर बच्चे हैं। अभी पहले गाँव में एक लैंग्वेज पे सबसे बड़ी डिबेट होती है कि लैंग्वेज हिंदी में या इंग्लिश में बातचीत नहीं करते बच्चे, अपनी खड़ी भाषा का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर सर ने इस पे जोर दिया, अभी हर बच्चा हिंदी और इंग्लिश का एक स्टाफ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए एक स्टाफ हमने स्थापित किया है जो बच्चों को एक क्लास हर क्लास की लगती है। हमने ओलंपियाड एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं क्योंकि आगे कंपटीशन का ज़माना है। अगर अभी से हम कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तो ओलंपियाड में हमारा रिजल्ट 100% रहा। अभी एक टीचर है जो नेशनल खेली हुई है जूडो में, वो सेल्फ डिफेंस भी कराती है, तो हमने सेल्फ डिफेंस के लिए क्लासेस शुरू की है। बच्चों ने अभी यहाँ प्रस्तुति भी दिखाई है एक सेल्फ डिफेंस की। योगा क्लासेस के लिए एक योगा टीचर है, वो हफ्ते में एक ही बार आते हैं, एक दिन आते हैं क्योंकि समय एडजस्ट नहीं हो पाता। तो हमने साइंस लैब तैयार करवाई है क्योंकि बच्चे सिर्फ रटना सिखाएंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो बच्चों को ये हमें सिखाना है, ना कि मार्क्स पे ध्यान देना है। नंबर कोई मैटर नहीं करते क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि बच्चों को कितना आता है, वही आगे बढ़ पाता है। इसलिए हमने एक स्पेशल लैब तैयार करवाई है, आप अगर आपको टाइम होता आप विज़िट करना। बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं, अच्छी पेंटिंग तैयार की है, तो बच्चों की प्रतिभाएँ निखर कर आई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपना हर छुट्टी 30 के 30 दिन स्कूल में देता हूँ क्योंकि स्कूल इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव में।